नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ बिहार में। खबरों के माध्यम से जैसा कि न्यूज़ बिहार ने आपको हमेशा बताया है कि खेसारी लाल यादव जो भोजपुरी सिनेमा के बहुत बड़े स्टार हैं, उन पर आए दिन बहुत सारी बयानबाजी होती रहती है। ताज़ा मुद्दा यह आ गया है कि सुधीर कुमार ने भी कुछ दिनों पहले खेसारी लाल यादव को मारने की धमकी दी थी। वजह उनके गानों में जो अश्लीलता झलकती है उस पर है। इससे तो आप भी अभिज्ञ नहीं हैं कि खेसारी लाल यादव के कुछ गाने अश्लीलता भरे होते हैं। इस पर एक ताज़ा मामला सामने आया है जब एक लड़की ने भी अब उन पर ऐसी प्रतिक्रिया दी है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। देखिए इस वीडियो में। अभी फेसबुक पे एक अभिनेत्री हैं प्रियंका पंडित, उनका एक लाइव वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि वो कह रही हैं कि आपने उन्हें अश्लील शब्द कहा है और उनका करियर बर्बाद करने की धमकी दी है। तो सर, जनता जानना चाहती है कि जो फिल्मों का जो हीरो है, रियल लाइफ का जो हीरो है, क्या रियल लाइफ में खलनायक है? आपको मेरे व्यवहार से कभी लगता है कि मैं खलनायक हूँ? मैं एक लिटी आम घर का आदमी हूँ और जिसका नाम अपने लिए मैं उनको बहुत कम ही जानता हूँ। एक दो फिल्मों में मैंने देखा है, सिगरेट की फिल्मों में। तो ठीक है, वो भी अच्छी अभिनेत्री होंगी, अच्छा करती होंगी। उन्होंने एक ऑडियो भी सुनाया लाइव आके, जिसमें कि आप उनको गालियाँ दे रहे हैं, उन्हें अभद्र और अब्यूसिंग वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। ऑडियो लेकिन मैं सुना नहीं, जिसको मैंने गाली दिया है वो ऑडियो मेरे पास नहीं आया। चलिए सर, आप भोजपुरी मूवी के नायक हैं और बहुत सारी भोजपुरी मूवी में जो गाने हैं उनमें अश्लीलता देखने को मिल रही है, तो इस पे क्या कहना चाहिए? प्लीज बहन, आपको जरूर देखना चाहिए राजा जानी सिनेमा। मेरी राजा जानी सिनेमा आप देखिए, अगर आप देखेंगी तो ऐसी बातें नहीं बोलेंगी। इस पिक्चर का कोई ज्ञान, जैसा कि आपने देखा, खेसारी लाल यादव पे अश्लीलता पूर्वक गानों पर जो कमेंट आए हैं या जो उस लड़की ने वीडियो में कहा है, उस पर खेसारी लाल यादव का क्या जवाब है? इसके बाद बयानों में खेसारी लाल यादव के द्वारा ये भी बात आई थी कि कुछ दिनों में वो चुनाव में भी हाथ आजमाने वाले हैं। क्या इन बातों को लेकर, इन अश्लीलता पूर्वक गानों को लेकर, या जो जैसे मुद्दे हो रहे हैं ऐसे मुद्दों को लेकर क्या जनता खेसारी लाल यादव का साथ देगी, या फिर जो उनके ये सपने अधूरे रह जाएंगे? ज़्यादा खबरों के लिए आप न्यूज़ बिहार के साथ बने रहें। हम पल पल आपको हर एक खबरों के साथ अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।